लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में डीटीओ सह नोडल अधिकारी अमित कुमार बेसरा ने प्रखंड कार्यालय स्थित जन वितरण गोदाम का निरीक्षण कर गोदाम में रखे अनाज की जांच की, साथ ही रख रखाव, साफ सफाई, स्टॉक सहित कई बिंदुओं पर जांच कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मौके पर डीटीओ सह नोडल अधिकारी अमित कुमार बेसरा ने कहा कि राशन कार्ड धारियों को नियमित रूप से राशन का वितरण कराए, किसी भी लाभुक को कम अनाज नहीं मिले इसका भी विशेष ध्यान दे। इस दौरान उन्होंने राशन गोदाम में रखे चावल, दाल, चीनी व गेहूं को देखकर संतुष्टि जाहिर की। साथ ही उन्होंने भंडरा के प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी भीमराव को बारिश के दौरान ससमय खाद्यान्न की आपूर्ति, जन वितरण प्रणाली दुकान में करने, अनाज भेजने के दौरान उसकी ठीक से देखरेख, ट्रैक्टर में जन वितरण दुकान का नाम, जगह तथा गांव संबंधित सूचना का उल्लेख रहित बैनर भी लगाने का निर्देश दिया है। अभी हम लोगों को सरकार के द्वारा है जो कि निर्देश है जो आपूर्ति विभाग को मिला था, तो आपूर्ति विभाग को जो निर्देश मिला था उसके आलोक में हम लोगों ने है जो कि जांच किया है। हमको उपायुक्त महोदय के द्वारा सेन्हा ब्लॉक, भंडरा ब्लॉक एवं किसको ब्लॉक का है जो कि जांच करने का मौका मिला था गोदाम का। तो गोदाम की जांच करने के दौरान हम लोगों ने चावल की जांच की, गेहूं की जांच की, नमक और चीनी की जांच की है। बेसिकली हम लोगों का है जो कि देखने का पर्पस था कि है जो कि गोदाम में हमारे कोई भी अनाज है जो कि ख़राब तो नहीं पड़े हुए हैं। हम लोगों ने है जो कि जांच के क्रम में पाया कि अनाज है जो कि सही तरीके से लोगों तक है जो कि जारी है और अनाज है जो कि वहां पे ख़राब नहीं थे गोदाम में। हमने है जो कि वहां के गोदाम मैनेजर को है जो कि इंस्ट्रक्शन दिया है कि बारिश का समय है, बारिश के समय में है जो कि बारिश के है जो कि पानियों से है जो कि अनाज की है जो कि देखभाल करें ताकि है जो कि अनाज ख़राब ना हो और हम है जो कि सही अनाज है जो कि लोगों तक पहुँचा सकें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।